أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم My dear fellows, students, friends and colleagues, I am actually taking the sessions on the shock. Some of the students and some of my PGs, they ask how you are taking very long sessions on the shock. Now shock is the one of the major emergency in AE. Therefore it is the emergency emergency, because everybody who is attending the OPD as patient is in emergency. It is emergency of urgency. तो पहले आप इसको देखेंगे फिर दूसरे को देखें, इसके मायने ये होते हैं. शॉक इसलिए आपको बताया जा रहा है कि वहाँ पे जब आदमी पहुँचता है पेशेंट पर तो वो घबरा जाता है, उसे समझ में नहीं आता क्या करे. कभी ये कर दो, कोई कहता है ये कर दो, कोई कहता है ये कर दो. जो सीनियर्स हैं वो जो है भाग रहे होते हैं दाएं बाएं, किसी को पट्टी बांध रहे हैं, किसी को कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. उससे जो सीनियर लोग हैं वो एक जगह पर बैठे हुए हैं, वो वहाँ से आते नहीं हैं देखने के लिए पेशेंट को, ज़्यादातर वो इंस्ट्रक्शन देते हैं. और इसके जो ऊपर लोग होते हैं वो घर में होते हैं ऑन कॉल, आप यूँ समझ लें. तो एक चेन बन रही होती है ऊपर से नीचे तक, तो फ्लो चार्ट है कि पहले आएगा कहाँ, फिर जाएगा कहाँ, फिर आएगा कहाँ. तो आपके पास जब पहुँचता है पेशेंट, उसके बाद जो डीलिंग आप कर रहे होते हैं ना, वहाँ मसाइल पैदा हो रहे होते हैं, वहाँ अख्तलाफात पैदा हो रहे होते हैं, वहाँ पे पैनिक पैदा हो रहा था. इसीलिए मैंने इसको 7 सेशन में मुकम्मल किया. आई एम प्रोफेसर एस अली अजहर, यू नो दैट आई एम अ विजिटिंग प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एट जे एस एम यू कराची. लेट स्टार्ट दिस वन टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट पैथोजेनेसिस ऑफ दिस कंडीशन. इट इज एक्चुअली मेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो. आपको मतलब एक ब्लड वेसल से इंट्रावास्कुलर स्पेस होती है, एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस होती है. और इंटरनल एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस रहती है उसको मिलू इंटीरियर कहते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट. उसकी जो है वो अगर आप वो करेंगे नॉर्मलाइजेशन करेंगे जिसे आप कहते हैं, तो वो मिलू इंटीरियर की होगी जिसको आप नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं. और उसी के से लड़ रहा होता है जिसे एज क्या के उसको जो है नेगेटिव फीड बैट मैकेनिज्म के जरिए लड़ रहा होता है. तो इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि इंटर सेलुलर स्पेसिस या एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस. इंट्रावास्कुलर स्पेसिस में क्या होता है, ब्लड होता है, उसमें क्या चीज़ होती है, प्लाज्मा होता है और सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड होते हैं. वो ब्लड जो है सर्कुलेट कर रहा है वेसल्स में, ठीक है जी. अब वो है ब्लड वॉल्यूम जो आपने पढ़ा था फिजियोलॉजी में. ब्लड वॉल्यूम जो है वो 5 लीटर तकरीबन होता है. उसको डिस्ट्रीब्यूशन होता है अकॉर्डिंग टू द एसेंशियल नीड ऑफ द बॉडी. ये भी आपने जो फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा बड़ी तफसील के साथ. तो उसको अगर दोहराएं आप सारा फिजियोलॉजी को, वैसे फिजियोलॉजी की तो इस तरह से है, एसेंशियल ऑर्गन फॉर द लाइफ क्या है, ब्रेन है. ब्रेन में क्या कौन सी चीज़ है, ब्रेन में जो है ब्रेन स्टेम है. आगे बढ़ें, दूसरा लंग्स हैं, हार्ट है, लिवर है, उसके बाद एड्रिनल कॉर्टेक्स है. और उसमें से भी जो है ना लाजमी तौर पर जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है वो जो ना ग्लोमेरुलोसा है, यानी मिनरल कॉर्टिकॉइड्स नीड जो है वो लाइफ के सेविंग के लिए ज़रूरी है. इनके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है. तो पहले से ब्लड सप्लाई इनकी जो है ना, आपको मालूम होना चाहिए कि इनका जो है सप्लाई पर कार्डिक साइकिल जो है ना कहाँ वहाँ पे कितनी कितनी जा रही है. फिर जो दूसरे ऑर्गन्स हैं मिसाल के तौर पे जीआई ट्रैक्ट है, लोअर लिम्स है, अपर लिम्स है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह वगैरह वगैरह, हर जगह ब्लड को जाना है. स्किन को भी सप्लाई करना है, सपोर्टिव टिश्यू को सप्लाई करना है. अकॉर्डिंगली नीड जो है ना बॉडी सेट करती है. वो कैसे करती है, या तो आपके पास सेंट्रल सिस्टम होना चाहिए जो रिस्पॉन्ड करे और उस धक्का मारे, ज़्यादा धक्का मारे,
ब्लड को पुश कर, पुश करे ताकि वो पहुंच जाए अपनी अपनी जगह पे, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। या ब्लड बनना ज़्यादा शुरू हो जाए ताकि उसको रिक्वायरमेंट को पूरी कर सके। इसी तरह से ऑक्सीजनेशन भी चाहिए इसको, तो ऑक्सीजनेशन भी बढ़ानी पड़ेगी आपको। जो फंक्शन आप बढ़ा रहे हैं इस चीज़ का अकॉर्डिंग टू द नीड होता है, ठीक है ना। तो ये जो रेशो होता है इसको बरकरार रखना होता है कि आपकी बॉडी की नीड कितनी है। सवाल ये पैदा होता है कहाँ पे ब्लड जा रहा है, कितना जा रहा है, क्योंकि मैंने अभी भी बता रहा हूँ जिस पर। दूसरा तरीका ये होगा कि ब्लड वेसल जो है उसका पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम कर दें आप, तो वो ब्लड जो होता है वो क्या होगा कि ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी वाजो डायलिटेशन करनी पड़ेगी। और वाजो डायलिटेशन से वाजो कंस्ट्रिक्शन आप करेंगे तो फिर जो है ना वो ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वाजो डायलिटेशन तो आपको बचाने के लिए हुई थी ना, वाजो कंस्ट्रिक्शन इसको ज़्यादा नॉर्मलाइज करने के लिए होगी। तो एक बुनियादी बात है ये, रिस्पॉन्स कर रहा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ज़ाहिर सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी चाहिए आपको, वो इनहांस होनी चाहिए अगर वाजो कंस्ट्रिक्शन कराना है आपको। और अगर आपको नहीं कराना है वाजो डायलिटेशन कराना है तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी का फ्लो रोकना होगा, और पैरासिंपैथेटिक एक्टिविटी जो जनरेट हो रही है, जैसे कि पूरा सिस्टम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, अगर आप उसको दोहराएं, उसके सेंट्रल पार्ट भी है, पैरल पार्ट भी है, उसके गैंग्लियॉन भी हैं वगैरह वगैरह, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू या अपने नर्व के थ्रू। तो आपके पास पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करना होगा। अगर आप सिम्पैथेटिक एक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे तो फिर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और वो भी रिस्पॉन्स में होगी। तो हार्ट में इफेक्ट ये होगा, पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट क्या होगा कि सैनिटरी नोड फंक्शन ज़्यादा करेगा, एवी नोड फंक्शन ज़्यादा करेगा, तो ब्रैडीकार्डिया हो जाएगा। इसके अगेंस्ट टैकीकार्डिया प्रोड्यूस करवाना होगा, इसलिए बीपी जो ड्रॉ हुआ है, कम हुआ है, वो इसलिए कम हुआ था क्योंकि वाजो डायलिटेशन हुई थी, वरना तो पेशेंट ज़ाहिर है कि नेगेटिव फेड मैकेनिज्म पर निसार कर रहे हो तो डेथ हो जाती है उसकी। तो डेथ हो जाती है इसलिए क्या हुआ कि इसको जो है ना आपको वाजो कंस्ट्रिक्शन करके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करना होगा। लेकिन आपको जो आगे जितनी चीज़ें पड़ी हैं सारी की सारी खुद एक्सप्लेन हो जाती है। तो माल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड, इसकी एक्सट्रीम ऑफ एग्जाम्पल जो है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन आप रखते हैं इस तरह से कि सेंट्रल ऑर्गन को जाएगा, फिर इतना इसको जाएगा, इतना इसको जाएगा, इसको जाएगा, तो बात तो ठीक है। लेकिन अगर माल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो हो जाए, जैसे सेप्टिक शॉक, और उसके लिए बोला जा रहा है ख़ासतौर पर लेडी के लिए जो हाउस ऑफिसर थी और वो एक तर्शियरी केयर हॉस्पिटल में काम कर रही थी, तो उसको सेप्टिक शॉक हुआ था क्योंकि मेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो हुआ था। जहाँ पे ब्लड जाना चाहिए था, जहाँ जहाँ जिस मकदार में, वो रिस्पांस नहीं कर पाए, यानी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो था वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो गया, तो वो गलत जगहों पर चला गया, जी आई ट्रैक में चला गया ज़्यादा शंटिंग के जरिए। तो इसलिए जो है ना सेप्टिक शॉक मेल डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड में इम्पोर्टेंट पार्ट अदा करता है। और आपको मैंने बता दिया था आपको कि सिर्स क्या होता है, सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो होता है वो डॉक्यूमेंटेड इन्फेक्शन के अगेंस्ट होता है, यानी पाइमिया या सेप्टिसीमिया के अगेंस्ट होता है। अगर इसी को आप लैब से प्रूव कर दें तो सेप्सिस हो जाएगा, अगर शॉक में चला गया पेशेंट तो सेप्टिक शॉक हो जाएगा। हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे कि भाई सीवियर सेप्सिस उस चीज़ को आएगी जब सेप्सिस ऑर्गन डिसफंक्शन, ये कहलाता है MODS, मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम। इसमें दो या दो से ज़्यादा जो है ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाएंगे, MODS हो जाएगा उसको। और इससे भी आप नहीं भा रहा है तो हीमोफेगोसिटिक सिंड्रोम हो जाएगा, जिसके अंदर खुद मैक्रोफेजेस और फेगोसाइट आप इसी को निगलने लगेंगे। और ये आखिरी स्टेज होती है किसी भी चीज़ की, सीवियर सेप्सिस से भी ऊपर जाए अगर तो फिर हेमोफेगोसिटिक सिंड्रोम हो जाएगा। अब ये सारा का सारा जो है ये सेप्टिक शॉक में होता है और दूसरे शॉक में नहीं होगा, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये सेप्टिक शॉक द प्रेजेंस ऑफ सेप्सिस विद हाइपोटेंशन होगा, इसमें वो तो होना चाहिए था,
आप फ्लूड दिए जा रहे हैं डिस्पाइट फ्लूड रिसिटेशन, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जा रहा। उसको हार्ट में जाना चाहिए, उसको लंग में जाना चाहिए, उसको ब्रेन में जाना चाहिए, उसको किडनी में जाना चाहिए, उसको एड्रेनल कॉर्टेक्स को सप्लाई करना चाहिए ताकि रिस्पॉन्स सही हो, नहीं जा रहा। प्रेजेंस ऑफ टिश्यू परफ्यूजन एब्नॉर्मलिटीज प्लस टिश्यू परफ्यूजन में भी जो है ना, बिकॉज इसके अंदर आपको मालूम है कि सेप्टिसीमिया हुआ है पेशेंट को, तो वहाँ जहाँ पे जो है वो परफ्यूजन होना चाहिए प्रॉपर, वहाँ पे वो नहीं होगा जिस तरह से पहले हो रहा था बिकॉज ऑफ दी बैक्टीरियाज जो कीमोटेक्टिक फिनोमेना कर रहे हैं वहाँ पे, एंट्री देने की कोशिश कर रहे हैं टिश्यूज के अंदर इंटरनल, अब इंटरनल एनवायरनमेंट की बात हो रही है, तो वहाँ पे भी परफ्यूजन जो है ना वो सही नहीं होगा। ये दो पॉइंट जो हैं इसको मैनेजमेंट किया जाए, अगर इसको भी मैनेज करें आप हाइपरटेंशन को, ठीक है, आप अभी डिस्पाइट फ्लू आप अपना काम जारी रखें और टिश्यू परफ्यूजन को किसी तरह से बहाल करने की कोशिश करें। मोर्टालिटी रेट अगर इस तरह से आप देखेंगे तो 50% से भी ज़्यादा है, यानी अच्छे हॉस्पिटल की बात हो रही है, न्यूयॉर्क हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, अगर किसी को एक्चुअली शॉक में चला गया है बिकॉज ऑफ सेप्टिसीमिया, मोर्टालिटी रेट एज हाई एज, और ख़ास अडल्ट के अंदर जो है ये मोर्टालिटी ज़्यादा है। अब इसके प्राइमरी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म वही हैं जो आपने पढ़े थे, ग्राम नेगेटिव कोकाई एंड ग्राम नेगेटिव बेजा, ग्राम पॉजिटिव कोका बैक्टेरिया बेजरा एंड ग्राम नेगेटिव दोनों। लेकिन इसके अलावा दूसरे ऑर्गेनिज्म भी ये जो है ना यही फिनोमेना करते हैं, ज़रूरी नहीं है, माइकोप्लाज्मा कर सकता है, निकिटिया कर सकता है, फंगल इन्फेक्शन फंजीमिया जैसे आप कहते हैं, वो भी सेम रिस्पॉन्स करेंगे। क्यों? कि एंडोटॉक्सिन स्टिमुलेट द इन्फ्लेमेशन, इसके अंदर एंडोटॉक्सिन जो रिलीज हो रहे हैं वो जो है ना वो क्या कर रहे हैं कि कीमोटेक्टिक एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, तो टिश्यू परफ्यूजन भी कम कर रहे हैं, वो इससे एक्सप्लेन हो जाएगा ये, तो मैंने पहले भी बताया। तो इसको किसी तरह से हमें चेकआउट रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, पहले ही उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ये हार मान ली, बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में इससे भी ज़्यादा होगी, कम से कम 20% और ऐड करें इसमें या 30%, तो 80% मोर्टेलिटी होगी इंटरनेशनली केयर हॉस्पिटल में। अब सोचें आप, ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है, अगर आप पहले ही रोक लेते किस फेज में रोक सकते थे इसको, आप बैक्टीरिया में रोकते या सेप्टिसीमिया में रोकते या SIRS सिस्टमिक इनपुलटी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, यहाँ तक, अब यहाँ तक आप रोक लेते आगे नहीं जाने देते तो वो आगे डेवलप नहीं करता, सेप्सिस नहीं करता, सेप्टिक शॉक डेवलप नहीं करता, हेमोडुएस नहीं करता, हीमोफिक्रेटिक सिंड्रोम नहीं करता वगैरह वगैरह, वहाँ चेकआउट हो जाता है। उस कहानी ये मैंने पहले सुनाई थी, तो वो मेडिकल ऑफिसर जिसने पहली मरतबा देखा था वो उस वक्त जो थी वो बैक्टीरिमिक फेज में थी, अगर वहाँ पे सही वो जज कर लेता और उसको बताता कि उसको क्या है, ये प्रॉबेबली क्लिनिकली बताते, चलो अभी आप कराएंगे इन्वेस्टिगेशन, पता नहीं कब वापस आएगी, मरीजा दोबारा आपके पास आती है या किसी और के पास जाती है ये भी नहीं पता, सेम ऑफिसर के पास तो नहीं जाएगी वो। इन सारी गड़बड़ की वजह से जो है ना वो मरीज़ इंतहा में पहुंचा और थर्ड वीक के अंदर परफ्यूजन हुआ था जिसको, और उसके बाद क्या हुआ, जनरलाइज पेरिटोनाइटिस हो गया स्पेशल, यानी उसको तो आप करेंगे ही करेंगे, शॉक में चला गया पेशेंट, लेकिन साथ साथ जी अब मसले खड़े हो गए हैं, तो आपको सेप्टिक शॉक हुआ है पहले इसको इतना करके दे दें उनको कि BP को 90 कर दें, ब्रेडी गड़े से निकाल दें उसको, 80 से ज़्यादा पल्स करते हैं मिसाल के तौर पे, दो काम ये करते हैं कम अज कम वाइटल्स में से, रेस्पिरेटरी रेट को अगर वो टैकेपनिक था तो 26 थी तो आपने 20 कर दिया रेट बाय गिविंग जो है वो एक्सटर्नल ऑक्सीजन वगैरह वगैरह, जब इतना आप करके देंगे इनको फ्लूड रेसिस्टेशन की, आपने इनऑटोमिक एजेंट इस्तेमाल कर लिए जो आपके हाथ में था वो ये था, इसमें इतना कर देंगे BP 90/60 हो जाए और ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, अब जो है ना आप हवाले कर दें जो स्पेसिफिक यूनिट है, अगर गाने कॉलेज के लिए प्रॉब्लम है गाने वालों के हवाले करें,
सर्जिकल के जनरल सर्जरी में जाना है उसने, न्यूरो सर्जरी में जाना है, कहाँ जाना है, या आपने खुद कुछ करना है, यानी मेडिकल का केस हुआ ये, मेडिसिन में आएगा एनालाइट, तो उनके उनको उनको देंगे केस कि आप डील आप करो, आपका काम खत्म हो गया, वो आगे डील करेंगे फिर उसको, कि उसको हायर एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे, उसका जो है ना वो मॉनिटरिंग उनको करना है, आईसीयू मॉनिटरिंग जिसे कहते हैं आप, आईसीयू मॉनिटरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो भी हम आपको बताएंगे वो कैसे होती है, ये एचयूवी मॉनिटरिंग या आईसीयू मॉनिटरिंग जिसे कहते हैं। देखिए इतना अच्छा एक्सप्लेन किया गया है, ये इमेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, वो अंदर दाखिल हुआ, रिलीज ऑफ द प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, TNF है, इंटरल्यूकिन 1 है और अदर प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस है, तो उन्होंने क्या किया कि मायोकार्डियल डिप्रेशन डायरेक्टली एक्ट ऑन द मायोकार्डियम और डिप्रेशन किया उसको, डिप्रेशन होने से क्या हुआ कि उसकी जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो कम हो गया, उधर उन्होंने पेरिफेरल वैसोडायलेटेशन किया और उससे मेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्कुलर, जब आप पेरिफेरल वैसोडायलेटेशन कर रहे हैं तो मेल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम का, और दूसरी तरफ उसने कैपिलरी की इंक्रीज परमेबिलिटी कर दी, जान चौड़ाने के लिए तेज़ करो उसको, तो इस तरह से वो इंटरनल इन्वायरमेंट में आ गया, यानी एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस से इंट्रावास्कुलर, इंट्रावास्कुलर स्पेस से एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस में चला गया, और माइक्रो एम्बोलिज्म हो जाएगा क्योंकि ये पाइमिया है, पाइमिक एम्बोलस डेवलप होगा और वो भी जो है जैसे रुकावट पैदा करेगा, जगह जगह रोकेगा, तो मेल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी ब्लड की, जहाँ से जाना चाहिए वहाँ तो नहीं जा रहा, या नहीं जाना चाहिए वहाँ जा रहा है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एंडोथेलियल डैमेज एक तरफ कर रहा है, एंडोथेलियल डैमेज जो है जो एंडोथेलियम है उससे एक्टिवेशन ऑफ CNS एंड द एंडोक्राइन सिस्टम, यहाँ से रिलीज होगा ट्रांसमीटर्स और उसको एक्टिवेट करेंगे CNS को, एंडोक्राइन सिस्टम को, जो करना चाहिए था पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए, नेगेटिव फीडबैक हो रहा है, हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट हो जाएगी, सेलेक्टिव वैसोकन्स्ट्रिक्शन होगा, और वो सेलेक्टिव वैसोकन्स्ट्रिक्शन जो आपने करवाया यानी बॉडी ने उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, यहाँ इसमें नुकसान हो रहा है क्योंकि इसमें मेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम इनहांस हो जाएगा, यहाँ पर मेटाबॉलिक स्टेट होगी, रिक्वायरमेंट ज़्यादा मांगेगी ऑक्सीजन की और ग्लूकोज की, डिमांड बढ़ जाएगी, सेलुलर डिमांड बढ़ जाएगी, जब आप एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, थायराइड की एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, कैटिक्रोमीन्स की बात कर रहा हूँ उनको बढ़ा रहे हैं, ये सब एक्टिविटी ADH है, इन सब को बढ़ा रहे हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो एक्यूट फेज रिएक्टेंट हैं, यहाँ पर मेटाबॉलिक स्टेट को करते हैं और उसमें डिमांड को पूरा करना अब आपका काम है, अगर आपने कर दिया तो ये पेशेंट बच जाएगा, ये क्या करेगा मेल डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस रखेगा, डिक्रीज सेलुलर ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, सप्लाई एंड डिमांड का मसला था ना, डिमांड ज़्यादा थी सप्लाई कम थी, तो यहाँ भी वही चीज़ को बताया जा रहा है, तो ऑक्सीजनेशन आपको पूरी करनी होगी 2.5 to 3 liter पर मिनट मास्क से दें या नेजर कैनोला से दें या फिर उसके ऊपर जाके दें, आजकल तो बाईपैप वगैरह टाईपैप की सहूलत हासिल है आपको, बहुत तेज़ परफ्यूजन होता है, इससे क्या होगा लेने से कि ये आगे नहीं जाएगा, लेकिन अगर नहीं गया तो फिर टिश्यू परफ्यूजन भी कम हो जाएगा, अब टिश्यू परफ्यूजन कम होने से इम्पेयर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, सेल जो है वो फंक्शन लेस हो जाएगा, सेल जो होता है वो फंक्शन के लिहाज से डेथ हो जाती है, बाद में जो है ना एक्चुअल डेथ हो जाती है, सेल की डेथ हो जाती है, जब सेल ही ना रहा तो फिर कुछ भी ना रहा, लिहाजा यहाँ भी रोक सकते थे आप इस प्रोसेस को, यहाँ रोका जा सकता है, देखिए इस प्रोसेस को यहाँ पे रोका जा सकता था, जहाँ कहाँ कहाँ रोक सकते हैं आप वो आप गौर कीजिए, अगर इन्वेडिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म को आप पहले ही तबाह कर देते बैक्टीरियमिक स्टेट में तो सेप्टिसीमिया ना होता, सेप्टिसीमिया नहीं होता सेप्टिक शॉक नहीं होता, अगर इस साइकिल में आ गया अगर ये तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, यही बताने के लिए जो है ना मैंने इसको हाईलाइट किया था जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सारे कोगुलेशन बढ़ जाएगी क्लोज इन्फ्लेमेशन, जब इतने सेल आप बिला देंगे आपस में, ल्यूकोसाइटोसिस भी हो रहा है वहाँ, थ्रोम्बोसाइटोसिस हो रहा है, एक्यूट फेज रिएक्टेंट है, सेलुलर एलिमेंट बढ़ा दिया, विस्कस हो गया ब्लड, और उसने क्या किया इंट्रावास्कुलर स्पेस से एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस में चला गया, खासतौर पर डेंगू के अंदर अचानक जो इंतकाल होता है वो इस तरह से होता है जैसे ये लिखा गया है, तो कोगुलेशन एंड इन्फ्लेमेशन को ये बढ़ाएगा, फिर ये करेगा,
रिड्यूस रिलीज करेगा, क्योंकि ये जाएगा क्लॉट फॉर्मेशन में। इससे ये होगा कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो थ्रोम्बाई हो जाएंगे, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द माइक्रो वास्कुलेचर होगा, वहाँ पे जहाँ होगा वहाँ इस्कीमिया हो जाएगा। इसलिए एब्डोमिनल पेन, पेरिफेरल लिम्ब के अंदर पेन बताएगा पेशेंट आपको, बताएगा इसी तरह बताएगा। और हाइपरडायनेमिक स्टेट में इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड, डायनेमिक स्टेट बहुत ज़्यादा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी एंड डिक्रीज सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस हो जाएगी। लुब्बे लबाव ये होगा बरामद। जो लोग स्टेरॉयड लगा रहे थे तो वो बेवकूफ़ हैं, तो उसको तो और बढ़ा रहे हैं आप, नहीं लगाना चाहिए था ना, नहीं लगाना चाहिए, इसका कोई फायदा नहीं होगा इसमें तो। और ये मसला बड़ा हाइपरडायनेमिक स्टेट है ये, तो लोगों ने बड़े तजर्बे किए हैं कि अगर ये दे दिया जाए तो, ये दे दिया जाए तो ये फ़ायदा होगा, नहीं कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको बुनियाद मजबूती नहीं थी, हम इसको देखिए ना, इसको रोकना था आपने, इसको रोकना था, इसको इन इस यहाँ तक तो पहुँचना ही नहीं चाहिए था ना पेशेंट। एनहांसर जो था वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, उसको मार देना चाहिए था। अब आप सामने ले आए मुकाबला करने के लिए, लड़ो फिर। टैकेपनिया हाइपरवेंटिलेशन एक्सप्लेन किया मैंने, टेम्परेचर डिसरेगुलेशन मैंने एक्सप्लेन किया आपको, ईडीएस ज़्यादा रिलीज होगा, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर देगा, इस तरह से क्रिस्टल्स जो है ना वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे ज़्यादा, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगी, ऑल्टर न्यूरोलॉजिकल स्टेटस हो जाएगा क्योंकि माल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये इंपॉर्टेंट जो है ना इसके फंक्शन है ब्रेन के, हायर फंक्शंस, ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं है इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन वो जो है उसका GCS कम हो जाएगा। और GI डिसफंक्शन इसलिए करेगा क्योंकि वजह ये होती है कि भाई इसको तो ज़रूरत ही नहीं है, आपने इस्कीमिया प्रोड्यूस कर दिया, यहाँ इस्कीमिक कोलाइटिस हो जाएगा इस पेशेंट, इस्कीमिक गैस्ट्राइटिस हो जाएगा पेशेंट, पॉपिक टाइप रेस्पिरेटरी फेलियर जो है इसमें कॉमन है। अब टाइप इसकी कौन सी है आप निकाल लें, अगर कार्बन डाइऑक्साइड और कम हो जाए खाली तो टाइप 1 है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए ऑक्सीजन की कमी के साथ तो टाइप 2 है। ये आप गौर कीजिए कि आप टाइप 1 से लड़ रहे हैं या टाइप 2 से लड़ रहे हैं। यही कंडीशन आगे जाके ARDS में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि यही कंडीशन आगे जाके ARDS में कन्वर्ट हो जाती है तो टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर के चांस ज़्यादा हैं। तो ये जो है ना, ये एक शॉक से जो है ना, जो आपको बताया ये सेप्टिक शॉक बताया गया, अब ये भी जो समझाया गया, ये देखिए ये सिर्फ सेप्टिक शॉक इसलिए एक्सप्लेन किया कि ये कॉमन एंट्री है। ये दोबारा देखिए स्लाइड्स को, मैंने इसको एक्सप्लेन किया है आपको इस शॉक को, और ज़ाहिर है कि मैनेजमेंट जो है ना इसके अंदर जो है ना वो सारी आपको जो मैंने पहले जो लोगों ने लेक्चर अटेंड किए मैं आपको बताता रहा हूँ, क्या बताता रहा हूँ कि जनरल मेजर्स करें, फिर उसके बाद स्पेसिफिक मेजर करें और उसको भरें, देखें आगे कुछ ना कुछ आएगा ध्यान में आएगा, फिर उसके बाद आगे चलें तो सिम्टोमेटिक मेजर करें, फिर आगे उससे चलें, सिम्टोमेटिक मेजर आपने कही ठीक है आगे चलें, फिर आप ये देखें कि फिर डाइटिंग मेजर्स करें, प्रिवेंटिव मेजर्स करें, सर्जिकल मेजर्स की नहीं तो सर्जिकल मेजर्स करें, फिर ये सारी चीज़ें जो है आप जमा करके इसके आगे कुछ ना कुछ लिखें। जैसे जनरल मेजर आपने लिखा उसमें लिखा एडमिट दिस पेशेंट इन ICU, बाद में ब्रैकेट में किया एज पेशेंट इन शॉक में है, लिहाजा इसके अंदर 2 लाइफ लाइन मैंने डाल दी है। दूसरा ये किया है मैंने कि इसमें ऑक्सीजनेशन के इन्हांस करने के लिए मैंने नेजल कैनुला लगा के और 2.5 लीटर पर मैंने दे रहा हूँ, जबकि उसकी ऑक्सीजन SO2 जिसे कहते हैं सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 90% है अभी भी, फिर भी आप देना चाहते हैं, इसलिए देना चाहते हैं, इन्हांस करना चाहते हैं, तो आपके हाथ में तो कुछ है ही नहीं ना, जब आपके हाथ में कुछ नहीं है तो फिर क्या करेंगे, पेशेंट का जो है ना वो बेड एंड जो है ना उसको रेस करेंगे और जो हेड एंड है उसको नीचे करेंगे, क्योंकि तो शॉक में है पेशेंट, सेप्टिक को छोड़ दीजिए। स्पेसिफिक मेजर्स के अंदर पहले तो आपको करना है जो बैलेंसेस सही करने हैं, फ्लूड बैलेंस को करें, फ्लूड बैलेंस के अंदर आपके पास जो अवेलेबल है चीज़ें वो लगाएं, पेशेंट शॉक में है तो बेहतर है कि इस पेशेंट में नॉर्मल सेलन लगाया जाए या रिंगो लैक्टेट लगाया जाए या क्रिस्टोलाइट्स लगाया जाए, जिमिल जैसे उन्होंने बोला था कि हेमेक्सिल वगैरह लगाया था, जो भी है एनीवे इस पर बहुत लंबी हो जाएगी। दूसरा जो आपको जो करना है फ्लूड
के अलावा जो करना है मैंने ये स्पेसिफिक नहीं किया, बैलेंस के अलावा दूसरा जो बैलेंस हाँ मैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, अगर सोडियम कम है पोटाशियम कम है सारे कम है तो रिंगो इलेक्ट्रेट हो जाएगा वो तो ठीक है वो बात हो जाएगी, लेकिन अगर वो हाइपोकैलेमिया है पेशेंट को तो हाइपोकैलेमिया को स्टेट आप एड्रेस करें ना, हाइपरकैलेमिया को करना चाहिए था या हाइपोकैलेमिया को करना चाहिए था उसको मैनेज करें। फिर तीसरी चीज़ क्या होती है एसिड बेस बैलेंस होता है, वो EBG करा के आप देखें कि एसिडोसिस में है या अल्कोलोसिस में, ये EBG आपको बताएगी कि ये कौन सी मेटाबॉलिक है या ये रेस्पिरेटरी है, अकॉर्डिंगली इसको मैनेज करें आप। फिर जब आपके सामने आ गई है ये चीज़ एसिड बेस बैलेंस करना है। चौथा बैलेंस जो था एनर्जी बैलेंस होता है, ये आदमी जो है ना वैसे ही 3-4 दिन से तो खा ही नहीं रहा था, एक हफ्ते से इस औरत ने कुछ नहीं खाया था, पानी भी बहुत मुश्किल पिया था, वो तो डिहाइड्रेशन में चली गई, मैं BMR जो था वो जनरेट ही नहीं कर रही है। लिहाजा आपको उसके साथ कैलोरिक बैलेंस इसकी कम से कम 1000 कैलोरी पर डे इसकी नीड है, जो भी आप फ्लूड दे रहे हैं अगर यूरिया क्रिएटिनिन नॉर्मल है तो इसके अंदर जो अमानोवेल टाइप की कोई चीज़ या कोई जो है लिपिड भी आते हैं ये जो वो भी दिए जा सकते हैं ताकि इसकी जो है वो बेहतरी आ जाए, इसके BMR बढ़ जाए। चार बैलेंस अगर आपने कर लिए तो पेशेंट का सर्वाइवल अच्छा हो जाएगा। और पांचवा स्पेसिफिक मुझे ये है कि स्पेसिफिक एंटीबायोटिक जो भी नीड, अब हमारे पास जो है ना वो पेंसिल ग्रुप में से एक उठाएं जो आपकी मर्जी है, दूसरा जो ग्रुप है वो हमारे ग्लग के साइड से है जिनका मशीन अवेलेबल है जिनका मशीन लगाते, और तीसरी एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए जो है वो मेट्रोनोटस हो रहा, इसको कहते हैं ट्रिपल रेजीम। आप इससे ऊपर जाना चाहते हैं तो उसमें चले जाएंगे जो आप पेंसिलिन ग्रुप में से आप तलाश कर लीजिए, तो कार्बापेनिम्स इस्तेमाल करते हैं लोग जो महंगी दवा है बहुत, और एसीटोनॉम्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं जो महंगी दवा है अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं पेशेंट ठीक है। इसके साथ कंबाइन अप करें ना हम आपकी कॉम्बिनेशन जो होनी चाहिए आपकी जो पेशेंट ऐसा है जो अफोर्ड कर सकता है, तो अब आप एक क्या करेंगे क्यूनोलोन में से या मैक्रोलाइट्स में से इंटरवेनस फॉर्म इस्तेमाल करें, दो चीज़ें तो ये हो गई। और थर्ड थेरेपी जो थी आपने मेट्रोनिडाजोल, क्योंकि एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए आपके पास एक ही चॉइस होता है मेट्रोनिडाजोल, वो लाजमी तौर पर इसके साथ एक्ट करते हैं, तो आपको नहीं पता कि बेसडिफॉर्म बेसलेस से हुआ किससे हुआ, क्योंकि कल्चर तो हुआ ही नहीं है पेशेंट का, लिहाजा आप इसको दे दें और रेगुलरली देना है मॉनिटरिंग के साथ। तो ये मैं आपको इसी बात बता रहा हूँ कि ये आता रहेगा, ये आपकी ज़िंदगी में आता रहेगा, सेप्टिक शॉक आएगा, यूरोसेप्टिक शॉक, फला सेप्टिक शॉक और फला सेप्टिक शॉक, पहले तो एक को डिस्कस करें ना। तो ये जो है ना स्पेसिफिक नेचर्स है, और इसके अंदर न्यू एडवांसेस में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, स्टेरॉइड्स भी बताए हैं और बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन WHO इसको नहीं मानता। फिर मैं आपको बात बता दूँ कि CDC जब तक FDA अप्रूव ना करे थेरेपी को हम नहीं मानते, यूरोप में बेशक करते होंगे लेकिन सर्वाइवल उनका नहीं है, अच्छा सर्वाइवल नहीं, स्टेरॉइड्स वर्स कर देते हैं। मिसाल के तौर पर एक मिनट बात कह रहा हूँ आपसे, तो स्पेसिफिक थेरेपी अगर आप स्टेरॉइड के जरिए कर रहे हैं कंट्रोल तो बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं। इवन इनोट्रॉपिक एजेंट के बारे में भी कहा कि इतना कोई फ़ायदा नहीं करेंगे वो, तो एक तरफ आप कार्डियक स्टिमुलेशन दे रहे हैं पेशेंट को लेकिन कार्डियक स्टिमुलेशन हो नहीं रही है भाई, होगी तो इनोट्रॉप साथ करेंगे ना, उसे दूसरी तरफ जो दूसरा रिसेप्ट है उस पर दवा कर रहे हैं वो उसके रिस्ट्रिक्शन, मगर यहाँ हार्ट का जो पंप है जो वीक हो गया डायरेक्ट एक्टिविटी ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म उस पर एक्शन उनका इनसफिशिएंट होता है, उनका ख्याल है इसमें कोई फ़ायदा नहीं इतना ज़्यादा। डॉबिटामिन की बात कर रहा हूँ, अगर आप कार्डियक के लिए दे रहे हैं तो डॉबिटामिन है, और आप हार्ट के साथ जो है पेरिफेरल टिश्यू के लिए दे रहे थे इनोट्रॉप्स तो वो डोपामिन है, और दूसरी जो ड्रग्स हैं सिम्पटोमेटिक है नॉरेडिन है और दूसरी चीज़ें हैं, ये सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, उनमें कोई सर्वाइवल इतना अच्छा नहीं है। आगे चलें सिम्पटोमेटिक में जरूर पेशेंट नॉसिएटेड है, वॉमिटिंग हो रही है, उसको आपको रोकना है तो अकॉर्डिंगली डील करें, या वो पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा जो है ना इरिटेबल है, उसकी इरिटेबिलिटी को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं मेडिकेशन, वो लोग ज़्यादातर डाइजिपाम वगैरह इस्तेमाल करते हैं इन लो डोज डाइल्यूट फॉर्म में रोकने के लिए, हाथ पांव बांध देते हैं उसके, आपने देखा होगा इरिटेबिलिटी जो डेवलप हुई है
और उसके बाद जो है ना क्या था, सिम्टोमेटिक मेजर करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे और फिर जो है ना देखेंगे कि इस पेशेंट के जो डायट्री मेजर क्या होंगे। वो पढ़ा लिख दें आगे कि इसको जो है ना फुल डाइट दी जाएगी, जैसे ही ये पेशेंट ठीक होगा वैसे। अभी तो पैरेंटल दे रहे हैं आप, तो आप पैरेंटल लिख दीजिए, पैरेंटल डाइट लिखें उसकी, फिर 1000 कैलोरी वाली डाइट कौन सी इसको देनी थी वो लिखें। बाद में जो डाइट है वो वार्ड वाले बता देंगे कि भाई क्या खाना है। जो आदमी नहीं खा रहा होता ना, याद रखें फार्मूला, तो उसका कोई भी परहेज नहीं होता। जो आदमी खा रहा होता है ना उसका परहेज होता है। हमारे उस्ताद हैं अल्लाह ताला उनको जनाब जनाब असम रब साहब, जिनका रब मेडिकल सेंटर है, वो कहते थे कि आदमी जो है खाने से मरता है, भूखा रहने से नहीं मरता। बोला मैंने किसी भूखा रहने वाले को मरते हुए नहीं देखा, लेकिन ये जो बसियारपुर करने वाले लोग हैं वो लोग बहुत जल्दी जो है ना उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाती हैं। इस बात लिए इस बात को ज़रा गौर से सुन लिया था आपने, प्रिवेंटिव मेजर बाद में करेंगे, क्योंकि हो जाएगा वापस ठीक हो जाएगा तो फिर देखेंगे ना कि निमो को कल था क्या असर था। मैंने जो को कहा था हर चीज़ की वैक्सीनेशन है तकरीबन, कुछ की नहीं है, ज़्यादातर की है। और आइंदा भी बताएंगे उसको कि भाई अगर यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हुआ था तो वो बाद में जो है ना फॉलोअप कराते रहे, ऐसा ना हो दोबारा हो जाए इसको। ये प्रिवेंटिव मेजर्स। और फीमेल के अंदर बार बार अटैक करेगा तो उसको रोकने के लिए क्या इकदाम देते हैं, वो भी आपको बताने हैं इसमें। तो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है ना इस पेशेंट के बारे में। अगर आप इस तरह से लिखेंगे इसको ना अपनी बुक जो जो फाइल होती है तो उसमें याद एकदम आ जाएगा आपको, यहाँ पर ये इसमें एक जुमला लिख दो। तो ये जो अगर इस तरह से कोई लिखता है, मैंने बता रहा हूँ, तो फिर वो जो है ना वो कम अज़ कम ये है कि उसको जो 100% मार्क्स मिलने चाहिए। उसने सारी चीज़ें कवर करके बताया है, मैनेजमेंट करना होता है, ट्रीटमेंट नहीं करना होता पेशेंट का, मैनेज के तभी मैनेज द केस और अल्लाह पे छोड़ देते हैं। ट्रीटमेंट नहीं कर रहे होते, हम दावा नहीं कर रहे होते कि हमारे ट्रीटमेंट देने से आदमी वापस आ गया, नो नो नो। इसमें तो देखे ना 50% मोर्टेलिटी तो वहाँ पर है जो न्यूयॉर्क का सेंट्रल हॉस्पिटल है, तो आपकी क्या हालत होगी यहाँ पर सोच रहे हैं आप सर। तो मतलब वेंटिलेटर फौरन लगा देते हैं, ज़रा भी ड्रॉप हुआ नीचे 88 के तो वेंटिलेटर पर डाल देते हैं। वो कोई रिस्क लेते ही नहीं है भाई, उनके सामने मायोकार्डियल इस्कीमिया होता है इन मरीजों का। और वो उस वक्त क्या करते हैं, एंजियोग्राफी करके और वो CABG भी कर डालते हैं, जैसे प्रेशर अचीव होता है पेशेंट का उसको भी नहीं छोड़ते। मरीज को वो किसी ना किसी सूरत बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। आई होप कि मेरी बातचीत समझ में आ गई होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये 4-5 स्लाइड्स हैं इसकी जो अहम तरीन थी, इनको मैंने तकरीबन 34-32 मिनट में डिस्कस किया। ये बार बार आएगा, बार बार तंग करेगा, बार बार लोग परेशान होंगे, इसलिए मैंने आपको मैनेजमेंट भी यहीं बता दी इसकी, ताकि अगर जो आदमी इसको सुन ले तो अभी से इस पर अमल करे और परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है ना भाई। आप 70% मोर्टेलिटी रेट के ऊपर पेशेंट आप डील कर रहे हैं। अगर बच गया तो अल्लाह की मेहरबानी है, अगर निकलना था तो बहुत बड़ी अल्लाह की मेहरबानी होगी। इसी लिए पावरफुल एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो दुनिया में वजूद में लाए गए, इमीफिनम वगैरह जो आप लगाते हैं, ये बाद में याद हुए, हमारे ज़माने में थे भी नहीं। हम तो इससे करते थे पेंसिलिन से। हमारे पास क्या होती थी, हमारे पास ऑक्सीजन इंजेक्शन होता था, हमारे जेंटामाइसिन होती थी और हमारे पास मेट्रोनोल रिजल्ट होती थी। बाकी चीज़ें हम क्या कर रहे थे, जनरल मेजर कर रहे थे, और फ्रूट बैलेंस और ये सारी जो स्पेसिफिक मेजर में मैंने बताया इसको करते थे। उसमें से कुछ लोग निकल आते थे, कुछ लोग नहीं निकल पाते थे। आखिर बात मेरी ये है कि जिसको ये हुआ है आप उसके लवाकिन को बता दें कि इसका पेट अच्छा नहीं है, 70-80% लोगों की डेथ हो जाती है पाकिस्तान में, ये बता दें उनको, और वो दुआ करें उनके लिए, ताकि बाद में जो है ना वो जो मीरा झगड़ा होता है और मारा पीटी होती है तो वो ना हो। मैं खुद 2-3 दफ़ा लोगों ने मुझे मारा है, मैं आपको बता रहा हूँ, मारा है कि भाई आपकी वजह से हमारा बाप मर गया, फलां हो गया, फिर समझाया भैया कि वो ठीक हो गया, लेकिन लोगों को नहीं आता है, लोगों को क्या पता ये क्या चीज़ होती है। इसे पहले समझा दें, अलग कमरे में ले जाए, उनके जो सुप्रीम कमांडर है जो भी है, चाहे हस्बैंड है जो भी वारिस है, उसको बता दें कि ये मसला हो रहा है और इसको हम डील कर रहे हैं। हम अल्लाह से दुआ करें कि ये
शौक से निकल आएगी तो हम स्पेसिफिक वार्ड में भेज देंगे। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।